डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15, कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है, तो आइए हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं इन पर डिस्कस करते हैं। जनरली हमारे पास इसमें दो वर्क इन्वॉल्व हैं, हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर डेरिवेशन करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy ओवर dx। हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx करना है। तो यहां पर यदि हम कहें कि इसको सॉल्यूशन लें, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां हम लेट कर लें कि लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज टेन इनवर्स x हो जाए। यहां पर आप x को चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं और अभी भी, तो ये आता है sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ साइन है और ये कॉस है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो साइन को चेंज करेंगे पहले हम कॉस इनवर्स कॉस की फॉर्म में, तो वी कैन राइट इज कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, मींस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ऑलरेडी 10th में भी किया है, 11th में भी किया है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉस इनवर्स कॉस से रिजल्ट आएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये थीटा को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स होगा, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है पाई बाय 2, कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन 0 होगा माइनस 2, और 10 का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वी कैन राइट इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा कि लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो, देयरफॉर वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे तो sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos थीटा होता है, cos 2 थीटा, बिकॉज ये फॉर्मूला आपके पास है कि cos 2 थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यदि 10 में हो तो वो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, तो ये भी होता है। तो यहाँ हमारे पास ये cos 2 आएगा और इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर टू sec इनवर्स कॉस, सॉरी sec 2 थीटा। आप sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये sec और sec इनवर्स, तो आपके पास y इक्वल टू 2 थीटा होगा, और आप इसको लिखोगे 2 cos इनवर्स x, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन दैट इज माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स फॉर्मूला आपको मालूम है, ये हो जाता है। इस स्टेप से आपके पास ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।